बात 17 मई 1902 की है, जिस दिन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को ग्रीक आइलैंड एंटीकेथेरा में डाइविंग करते समय एक 2000 साल पुराना जहाज के डेब्रिस मिले, जिसमें बहुत से चीजें मौजूद थी, जैसे कि तरह तरह के हीरे जवाहरात, बहुत से सोने की प्राचीन मूर्तियाँ और भी बहुत सारे कीमती खजाना। लेकिन इन सब के अलावा भी वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देख कर वहाँ मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट की आँखें फटी रह गयी। आर्कियोलॉजिस्ट को उस जहाज में एक प्राचीन बक्सा मिला, जिसे खोलकर वो अचंभित हो गए। उस बॉक्स में से एक ऐसी चीज निकल कर आया जिसने इतिहास के तरफ हमारे नजरिए को ही बदल कर रख दिया, क्योंकि उस बॉक्स में थी इस दुनिया के सबसे प्राचीन मैकेनिज्म, जिसके बारे में किसी इंसान को भनक तक नहीं था। एंटीकथेरा के नाम पर इस मैकेनिज्म का नाम रखा गया एंटीकथेरा मैकेनिज्म। ब्रोंज से बने हुए इस मैकेनिज्म का जांच पड़ताल करने के लिए दुनिया भर के तमाम साइंटिस्टों की एक टीम तैयार किया गया, पर सभी ने इस पर लगे स्विचेस और गियर्स को देखकर हैरान हो गए कि इसे किसने बनाया होगा, क्योंकि 2000 साल पुराने उस मशीन को आखिर किस काम के लिए बनाया गया था वो कह पाना उस मशहूर साइंटिस्टों के लिए भी एक चैलेंज बन चुका था। इसीलिए 100 से भी अधिक सालों तक अलग अलग देशों के साइंटिस्ट इस मशीन के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ताकि इसके काम करने का तरीका मालूम किया जा सके, पर हजारों प्रयास के बावजूद वो सब पूरी तरह से फेल हुए। फिर पिछले 2 दशक में साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ते एडवांसमेंट के चलते साइंटिस्ट इस एंटीकथेरा मैकेनिज्म को दोबारा से जांचने की कोशिश में लग गए, और इसके लिए एक स्पेशल टीम का निर्माण किया गया, जहां दुनिया भर के चुनिंदे आर्कियोलॉजी, इंजीनियरिंग और भी कई अलग अलग फील्ड के लोग शामिल थे। रिसर्च के दौरान उस एक्सपर्ट के टीम को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये मशीन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका था, इसीलिए इसे अलग अलग पार्ट में खोलकर अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है और किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है उसे जान पाना रिसर्चर्स को एकदम असंभव लग रहा था, और इसे खोले बिना ये मशीन क्या है और किस तरह से काम करता है वो बता पाना भी नामुमकिन था। इसका एक जबरदस्त सलूशन ढूंढ के निकाला गया कि एक बड़े से एक्सरे मशीन के अंदर इस मैकेनिज्म को रख के इसका एक्सरे निकाला जाएगा, जिससे कि इस मशीन के सारे पार्ट्स और गियर को साफ साफ देख पाना पॉसिबल होगा। परंतु उस समय इतनी बड़ी एक्सरे मशीन इंग्लैंड को छोड़कर और किसी भी देश के पास नहीं था, और इस बहुत ही प्राचीन मैकेनिज्म को ग्रीस से इंग्लैंड तक ले जाना बहुत ही जोखिम से भरा काम था, क्योंकि ऐसा करने से वो मैकेनिज्म पूरी तरह टूट सकता था। तो इसीलिए उस बड़े और भारी सी एक्सरे मशीन को ही इंग्लैंड से ग्रीस तक सही सलामत लाया गया, और इसके बाद रिजल्ट के तौर पर जो निकल कर आया उसने पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया, क्योंकि ये एंटीकथेरा मैकेनिज्म और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर था, वो भी कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं बल्कि आज के समय के सुपर कंप्यूटर, जिसमें एक क्लॉक की तरह दिखने वाला कैलेंडर था और जिसमें कुल 47 गियर्स लगे हुए थे। सारे गियर्स इस तरह से बनाया गया था ताकि वो सब एक दूसरे के सप्लीमेंटरी बन के एक साथ मिल के डिवाइस को चला सके। ये मशीन अपने समय से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड बनाया गया था। इसमें एक ऐसी कैलेंडर तैयार किया गया था जो चांद के ऊपर आधारित था। इस मैकेनिज्म में जो कांटे लगे हुए थे वो हमारे सौरमंडल के रेप्लिका है, जिसके सेंटर में है हमारी धरती, और बाकी के प्लैनेट सूरज और चंद्रमा के चक्कर काटते हुए दिखाया गया था। इस मैकेनिज्म का क्रिएटर इसके सभी गियर्स को इतने बारीकी से बनाया था कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से लेकर तारे सितारे की सटीक दूरी बताना, मौसम का हाल बताना और तो और कठिन से कठिन कैलकुलेशन का काम भी मिनटों में कर सकता था। जिसने भी 2000 साल पहले इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही एडवांस था, क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर को उस समय बना पाना कोई आम इंसान का बस का बात नहीं था। तो इसीलिए बहुत साइंटिस्टों का कहना है इस कंप्यूटर को असल में कोई एलियंस द्वारा हमारे धरती पर भेजा गया था। कई फिक्शन साइंस राइटर ये भी कह दिया कि ये डिवाइस एंशियंट ग्रीक साइंटिस्टों को एलियंस ने ला कर दिया था। अगर आप मेरी मानो तो मुझे ये एलियंस द्वारा बनाई गई बिल्कुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये उस समय के कोई बहुत ही हाई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है। पर एंटीकथेरा मैकेनिज्म की तरह और एक चीज है जो इतना मिस्टीरियस है कि इसे भी एलियंस द्वारा बनाने का दावा किया जाता है। वेल्फ्रेड वॉयनेज नाम का एक फेमस बुक डीलर साल 1912 में इटली के विला मोंड्रागोन जाकर वहाँ से एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब को खरीदता है। इस किताब का ना तो कोई टाइटल था और ना ही इस पर किसी भी लेखक का नाम था। 260 से भी अधिक पन्नों के इस किताब को किसी अननोन लैंग्वेज में लिखा गया था। उस किताब में क्या लिखा है ये जानने के खातिर वॉयनेज अपनी पूरी जिंदगी इस लैंग्वेज को डिकोड करने में ही लगा दिया, पर फिर भी वो इस किताब के रहस्यों को जानने में नाकामयाब रहा, और उनके मृत्यु के बाद इस किताब को वॉयनेज मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से नामकरण किया गया। इस किताब को आखिर किसने लिखा था
और इसे लिखने का मकसद क्या था? इसे जानने के लिए वॉयनिज मैन्युस्क्रिप्ट को दुनिया भर के चुनिंदे क्रिप्टोग्राफर के पास भेजा गया था, परंतु उनके लाखों कोशिश के बावजूद भी इस लैंग्वेज को डिकोड कर पाना असंभव था। यहाँ तक के मॉडर्न कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं किया जा सका। इस किताब में जो लैंग्वेज था वो एक कोड लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसे मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी जान पाना इम्पॉसिबल था। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता किया गया, इस वॉयनिज मैन्युस्क्रिप्ट को 1400 से 1408 के बीच में लिखा गया था, जिसमें बहुत से अजीब पेंटिंग्स बने हुए थे। इस किताब में ऐसे बहुत से इलस्ट्रेशन थे जिसमें अजीब से दिखने वाले पेड़ पौधे, फ्लावर्स, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल और महिलाओं के पेंटिंग्स भी शामिल थे। इनमें से कई सारे पेंटिंग्स का रियल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं था, और कुछ तो ऐसा था जिसे केवल माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख पाना पॉसिबल था। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस किताब को बनाने के 200 साल बाद माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया गया था, तो फिर कैसे कोई उस समय बैठकर ऐसे पेंटिंग्स बना सकता है जिसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जा सके। इस किताब को माइक्रोस्कोपिंग लेवल पर जज करने से ये पता चला ये असल में एनिमल स्किन के ऊपर बनाया गया था, और इसमें जो इंक का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही रेयर थे, जिसे कोई आम इंसान द्वारा खरीद पाना नामुमकिन था। इसीलिए इस किताब के राइटर इसमें जो कुछ भी लिखा था वो बहुत ही खास था। शायद इस किताब को लिखने वाले ये नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई इस किताब को पढ़ सके, इसीलिए उसने इस किताब को सीक्रेट कोड लैंग्वेज से बनाए। 1400 सदी के बाकी सभी किताब को क्रिप्टोग्राफर द्वारा डीकोड किया गया, पर सिर्फ इस मिस्टीरियस किताब को छोड़ के। इस किताब को आज के समय न्यू हेवन के एक लाइब्रेरी में कड़ी सुरक्षा के साथ रखा गया है। हर साल बहुत से क्रिप्टोग्राफर इसे डीकोड करने के प्रयास करते हैं, पर कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाते। बहुतों का कहना है इस किताब को एलियंस के लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए इसे पढ़ पाना संभव नहीं हो पा रहा। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या सचमुच एंटीकैथेरा मैकेनिज्म और वॉयनिज मैन्युस्क्रिप्ट एलियन द्वारा बनाए गए हैं? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।